मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नवोदय प्लस टाइम्स। आइए आपको रूबरू कराते हैं आसपास की कुछ ताजा खबरों से। जहां इस वर्ष योगी सरकार ने 5 लाख दिए जलाकर दीपावली मनाने का निर्णय लिया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में तैनात अंशकालिक अनुदेशक रोशनी का त्यौहार दीपावली अंधेरे में मनाने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि ललितपुर में तैनात अनुदेशकों को पिछले 2 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को मड़ावरा में अनुदेशकों द्वारा BSA को नामित एक ज्ञापन तहसीलदार SK पांडे को सौंपा गया। ज्ञापन में अनुदेशकों ने क्या क्या मांगें और समस्याएं रखीं, आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर मड़ावरा से इमरान खान के साथ अभय प्रताप सिंह की इस रिपोर्ट में। तहसील मड़ावरा में अनुदेशक संघ को 2 माह से वेतन न मिलने पर आज तहसीलदार मड़ावरा को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसकी जानकारी हम लेते हैं दीपक सोनी से। हम लोगों को मात्र 7,000 रुपये मानदेय मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। दीपावली आ चुकी है और दीपावली के में अन्य खर्चे भी बहुत सारे हैं। हमारे अनुदेशक भाई बहुत दूर दूर जाते भी हैं और इन लोग पैसा नहीं मिलने के कारण इनकी दीपावली सूनी होती दिखाई दे रही है। क्या मांगे हैं? स्कूल माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के माध्यम से विकास खंड मड़ावरा में जो ज्ञापन हमने तहसीलदार जी के माध्यम से माननीय BSA ललितपुर को भेजा है, इसमें हमारी मुख्य जो मांग है वो हम लोगों का विगत 2 माह से लंबित मानदेय 7,000 रुपये जो मात्र हमें मिलता है, उसकी मांग की गई है कि वो दीपावली के पावन पर्व पूर्व हम लोगों को दिलाया जाए, ताकि हम लोगों का जो भरण पोषण घर के काम खर्चे इन सब को हम लोग भर सकें। और इस त्यौहार पर तमाम प्रकार के खर्चे ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग कई दिनों से कर्ज लेकर अपना काम चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस समस्या को लेकर हम लोगों ने तहसीलदार जी को ज्ञापन के माध्यम से अपने लंबित मानदेय की मांग की है और इसीलिए हम लोगों ने यह ज्ञापन माननीय BSA ललितपुर को भेजा है, माननीय तहसीलदार मड़ावरा के माध्यम से।